हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन सेंटर में। आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक, जिसका ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है। कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस्टेक ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका ये मेन साइट है। आप देख पा रहे हैं, इस पर दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक। यहाँ पर जैसे इस पर मेन साइट पे आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा व्यू डिटेल, एडवर्टीजमेंट या हाउ टू अप्लाई। ठीक है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देख पा रहे हैं कि सब कुछ आप डिटेल दिया हुआ है। इसको वैकेंसी अच्छे से आप चेक कर लेंगे जो भी आपका नोटिफिकेशन है। ठीक है, आप किस पोस्ट के लिए कौन सा अप्लाई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा लंबा इसमें प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे 32 पेजों का है ये जो है कि नोटिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से देख के पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर अप्लाई प्रोसेस के हम बारे में जानते हैं तो इसको कट करते हैं। यहाँ से कट करने के बाद आप देख पा रहे हैं, जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे आप यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले जो कि ऑपरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ से दिखाई देगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, ठीक है, तो आप अपना इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन आईडी लेंगे, पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कि यहाँ से साइन इन कर लेंगे। ठीक है, अगर पहले से आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो, ठीक है, वरना होम वाला ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, बैक पे जाएंगे, यहाँ से बैक चले जाएंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए यूजर हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप ये देख पाए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम जो है अपना नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल करेंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद ईमेल आईडी देंगे, कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे। ठीक है, जो भी आपका ईमेल आईडी यहाँ से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी कंफर्म करने के बाद आगे बढ़ेंगे, मोबाइल नंबर देंगे। आप देख पा रहे हैं, इसके बाद जो कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे, इसके बाद जो है कैप्चर कोड देंगे, इसके बाद जो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं। जैसे ही आप सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। आपके यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करें कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाए। आप देख पा रहे हैं, जिस भी नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया वो नाम आपको यहाँ से दिखाई देगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना फादर नेम यहाँ से देंगे, इसके बाद मदर नेम यहाँ से फिल करेंगे, इसके बाद जेंडर चूज करेंगे, मेल है, फीमेल है, और जो भी आपका यहाँ से जेंडर चूज कर लीजिएगा। इसके बाद जो आधार नंबर यहाँ से देंगे, मैरिटल स्टेटस दे देंगे, मैरिड या अनमैरिड है, नेशनलिटी यहाँ से देंगे, इंडियन है, नेपाल है, भूटान है, और जो भी क्षेत्र से आते हैं आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, EWS है, ठीक है, OBC है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्रिब्यूट है या अनरिजर्व है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ से कास्ट है यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सब कैटेगरी में चूज कर लीजिए कि आप 40% विकलांगता है, एक सर्विस मैन है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ से चूज कर लिया, कुछ नहीं है तो यहाँ से नॉन भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जैसे आप अप्लाई फॉर के लिए जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाए। आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें भी सेकंड है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद जो है कि आप जनरल ड्यूटी है असिस्टेंट का, तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप देख पा रहे हैं बहुत सारा पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जिस भी पोस्ट का अप्लाई करना चाहते हैं इस पर केवल सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, वो पोस्ट आपको यहाँ से आपको सामने आ जाएगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर आपके सामने यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट लैंग्वेज आपका क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश रहेगा। इसके बाद आपका जो फीस अमाउंट जो आपका 0 रुपया से, इसके बाद इसको चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद सेव ऑन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे जैसे कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाए। आप देख पा रहे हैं जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है, आपके सामने जो भी अपने मोबाइल नंबर और डेटा ईमेल आईडी थे वो आपको यहाँ से दिखा रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के आप देख पा रहे हैं करंट मेलिंग एड्रेस आपको यहाँ से दे, जो भी आपका एड्रेस वहाँ से दे दीजिएगा। सिटी आपको चूज करना है, स्टेट चूज कर, जिस स्टेट से भी इस फॉर्म को फिलअप करें वो स्टेट यहाँ पर यहाँ से चूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद पिन कोड आपको यहाँ से देना पड़ेगा। इसके बाद जो कि करंट मेलिंग एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इसको यहाँ से चेकआउट करेंगे, वरना अलग अलग एड्रेस भी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग एड्रेस देना चाहते हैं वो यहाँ से इसको अच्छे से फिल कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो कि प्रिफरेंस सिटी फॉर एग्जाम, किस कहाँ जो कि आप एग्जाम सेट कर, आप देखिए कोलकाता दिया हो तो कोलकाता यहाँ से चूज कर लेंगे। जिस पोस्ट की अप्लाई करेंगे वो आपको यहाँ से सेंटर दिया, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ देख पा रहे हैं आपका क्वालिफिकेशन डिटेल खुल जाएगा। सबसे पहले हम हाई स्कूल का बोर्ड भरेंगे, किस बोर्ड से हाई स्कूल हमने पास किया है। इसके बाद किस सर में जो कि हाई स्कूल पास किया वो यहाँ से दे देंगे, आपका सब्जेक्ट क्या रहा वो दे देंगे, उसके बाद जो कि आपका परसेंट हाई स्कूल का परसेंटेज दे देंगे। उसी प्रकार इंटरमीडिएट का बोर्ड यहाँ से देंगे, किस बोर्ड से आपने जो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास किया है। इसके बाद जो कि
कब आपने किस सन में पास किया, वजह से उस सन में पास किया इंटरमीडिएट वो यहाँ से दे देंगे, चूज कर लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट देंगे, इसके बाद परसेंटेज यहाँ से चूज करेंगे, इसके बाद जो कि डिप्लोमा आपका है तो डिप्लोमा का डिटेल यहाँ से देंगे, किस यूनिवर्सिटी से पास किया, इसके बाद कब किस सन में पास किया वो यहाँ से दे देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, इसके बाद जो है कि यहाँ से परसेंटेज दे देंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ से दे देंगे, उसके बाद सन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद जो है सब्जेक्ट का डिटेल देंगे, इसके बाद परसेंटेज यहाँ से दे देंगे। कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड एनी ऑर्डर्ड क्वालिफिकेशन ऑप्शन दिया उस पर चेक करेंगे, ठीक है तो ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो है कि आप इसको यहाँ पर चेकआउट करेंगे, ठीक है आपका जो कि आप देख पा रहे हैं एट लास्ट वन ईयर डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है सेकेंड में आपका देख पा क्वालिफिकेशन विथ स्पीड आपका 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, हिंदी का टाइपिंग एंड इंग्लिश आपका होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद आप देखो वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आपके सामने खुल जाएगा। अगर आप करेंट में अगर आप वर्क करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ से फिल करेंगे, डिजिग्नेशन यहाँ से देंगे, जॉब प्रोफाइल देंगे, इसके बाद जो कि करंट एम्प्लॉय अगर है तो यहाँ से दे सकते हैं या नो यहाँ से कर सकते हैं, उसके बाद कब स्टार्ट किया है इंड डेट यहाँ से देंगे, सैलरी यहाँ से देंगे, इसके बाद अगर आपने काम करते हुए अगर छोड़ दिया था किस कारण से छोड़ा हुआ यहाँ से देंगे, उसके बाद इसको यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे कि आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले आपका रिसेंट में अपलोड आपका फोटो यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है आपको भी आपका 100 कॉपी से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो कि 10th का मार्कशीट यहाँ से अपलोड करेंगे, 12th का मार्कशीट यहाँ से अपलोड करेंगे, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन का जो कि सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करेंगे, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ेंगे, आप देख पा रहे हैं जो कि अप्लीकेशन प्रीव्यू करने का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे, कुछ मिला लेंगे कुछ गलत है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है कुछ गलत है तो इसको जो है कि मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है वरना सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देख पा रहे फोटोज नीचे मैंने सब कुछ अपलोड हो गया, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर होम पर ऑप्शन होम का ऑप्शन दिया हुआ है, मॉडिफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर कुछ गलत हो गया है तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो वरना फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं, ऐसा ओके करेंगे, जैसे ओके करेंगे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो है फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है इस वाले ऑप्शन पर जाकर इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक है तो इसको अच्छे से प्रिंट आउट करके निकाल लीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे आपका प्रिंट का ऑप्शन दिया, इसको अच्छे से जो है कि आराम से प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है तो आप इसको अच्छे से जो है कि प्रिंट आउट कर लीजिएगा, जो भी आपका प्रिंट आउट है यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से आपको बता दिया कि आप जो है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आशा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों।